और जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है वो सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं है किसका भी। टिकट देने के लिए भी 10 लाख रुपए का ऑफर किया था। सर मैं दलित आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, गरीबों के लिए मैं लड़ता हूँ, मैं उतना पैसा कहाँ से दूँ। तो उन्होंने कहा कि 10 लाख नहीं दे सकते तो 10 करोड़ खर्चा करके कैसा इलेक्शन लड़ोगे। लेकिन MIM वाले 3 साल मेरा इस्तेमाल करके अब मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है। मुझे लगता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पे वहाँ पे बिजनेस किया जा रहा है। मैंने SDPI के बारे में बहुत कुछ सुना है और ये पार्टी भी कैडर बेस्ड पार्टी है। MIM जो है सिर्फ ओवैसी साहब के सिक्के चलते हैं वहाँ पे। जो है SDPI इसको ज्वाइन करो और यहाँ पे बहुत ही मर्द मुजाहिद है, सब लोग लड़ते हैं गरीबों के लिए। पसंद है मुझे, इसलिए मैं आज पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। 2 महीने में ही SDPI का बहुत बड़ा नाम वहाँ पे उबली दारण में मैं करूँगा और SDPI के लिए मैं दिल और जान से काम करके ये पार्टी का नाम आगे करूँगा। MIM से आप SDPI को ज्वाइन किया है, रीज़न क्या है? जी, मैंने 25 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से काम किया हूँ और जो दलित मूवमेंट में है 25 साल से काम करने के बाद में अभी जो 3 साल पहले MIM पार्टी को ज्वाइन किया था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो स्पीचेस थे उनसे इंस्पायर होके मैंने MIM पार्टी को ज्वाइन किया और धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 3 साल मैंने MIM पार्टी को चलाया और बहुत मजबूती से मैंने वहाँ पे काम किया। लेकिन 3 साल मुझे असदुद्दीन ओवैसी साहब से नहीं मिलाया गया और वो मुझे पहचानते भी नहीं है। मैं उनका पार्टी 3 साल से काम किया हूँ, वो मुझे आज भी नहीं पहचानते हैं। और जो लोकल में जो लीडर्स है वो लीडर्स मैं पार्टी के ज्वाइन होने के बाद में मुझे पार्टी से निकालने के लिए बहुत कुछ हरकतें किए हैं और जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है वो सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं है किसका भी। ओवैसी साहब से मिलाने नहीं देते और पार्टी में जो है जो इलेक्शन आता है वो कॉरपोरेटर का हो या MLA इलेक्शन हो, तब जो सालों से काम करते हैं उनको निकाल दिया जाता है। इससे पहले भी जो बल्दिया का इलेक्शन हुआ था तब 2014 में काम करने वाले राजेश दरगाद और सादिक बारूद वाले उस्ताद और परवेज, ये धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के 2024 से काम करे जो लोग थे उनको निकाल दिया गया था। वैसे ही 3 साल मेरा इस्तेमाल करके पार्टी के लिए मेरे से काम लेके जो अब पार्टी को इतना बढ़ावा मिलने के बाद मुझे टीपू सुल्तान जयंती जो ईदगाह मैदान में बनाया था वही एक ऐसा छोटा रीज़न पकड़ के मुझे निकाल दिया गया है। और सुनने में यह रहा है कि जो प्रेजेंट उधर MLA है प्रसाद अब्बैया, उन्होंने 5 करोड़ दे के मुझे टिकट ना देने के लिए और मुझे पार्टी से निकालने के लिए उन्होंने कोशिश की है और उसमें वो कामयाब हुई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते बहुत सारे बातें करते हैं टीपू सुल्तान उनके बारे में, जो उनके पार्टी के लोग कहने के बाद में मैंने जो टीपू सुल्तान जयंती बनाया है उसमें राज्य अध्यक्ष उस्मान गनी साहब का परमिशन लेके ही बनाया है। लेकिन लोकल जो लतीफ़ खान पठान है उन्होंने मुझे टिकट देने के लिए भी 10 लाख रुपए का ऑफ़र किया था। मैंने उनको कहा सर मैं दलित आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, गरीबों के लिए मैं लड़ता हूँ, मैं उतना पैसा कहाँ से दूँ। तो उन्होंने कहा कि 10 लाख नहीं दे सकते तो 10 करोड़ खर्चा करके कैसा इलेक्शन लड़ोगे, ऐसा बोल के मुझे उन्होंने पूरा। मैंने जो परसों में 25th और 26th को नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने जो देखा है सुना है वहाँ 10 साल 12 साल काम करने वालों को भी पार्टी से बेदखल कर दिया गया है। मुझे लगता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पे वहाँ पे बिजनेस किया जा रहा है। और मैं पहले से भी जो मेरे स्कूल के क्लासमेट्स थे पहले से मेरे स्कूल के क्लासमेट्स में भी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मेरा उठना बैठना है। बहुत सारे मेरे दोस्त है ऐसे बुज़ुर्ग जो हमारे साथ देते हैं, उनके वजह से मैं सोचा कि कौन से पार्टी में जाऊं जो मुस्लिम का बैकग्राउंड हो वही पार्टी में जाना बेहतर है करके सोच के मैंने SDPI के बारे में बहुत कुछ सुना है और ये पार्टी भी कैडर बेस्ड पार्टी है। MIM जो है सिर्फ ओवैसी साहब के सिक्के चलते हैं वहाँ पे
इसीलिए मैंने सोचा कि कैडर बेस पार्टी जो है एसडीपीआई, इसको ज्वाइन करूं। और यहाँ पे बहुत ही मर्द मुजाहिद है, सब लोग लड़ते हैं गरीबों के लिए, इसलिए मैंने इस पार्टी का जो ये है वो पसंद है मुझे, इसलिए मैं आज पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। नहीं सर, मैंने MIM कुछ भी नहीं था जब उबली में आया था, मैंने 3 साल काम करके MIM को यहाँ तक बढ़ाया है। वैसे ही मैं 2 महीने में ही SDPI का बहुत बड़ा नाम वहाँ पे उबली दारोण में मैं करूँगा, और SDPI के लिए मैं दिल और जान से काम करके ये पार्टी का नाम आगे करूँगा। सर, मैं 3-4 साल से सोच रहा था कि मैं नेक्स्ट MLA इलेक्शन लड़ूं, इसी नाते से मैंने MIM ज्वाइन की थी, लेकिन MIM वाले 3 साल मेरा इस्तेमाल करके अब मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है। यहाँ पे एक चाल चली जाती है, जब इलेक्शन आता है तो पैसा कमाने के लिए जो ये पार्टी के सदर लोग होते हैं या बड़े बड़े अहदे पे जो लोग होते हैं वो लोग पैसा बनाने पे लग जाते हैं, ऐसे ही मुझे वहाँ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन मैं SDPI से, मैं उबली दौड़पुर क्षेत्र से SDPI से मैं लड़ूँगा सर।